अरे मंजूषा भाई नहीं, बोलिए ना। मानव प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं एन वक्त पर तुम्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ वही नहीं, बोलिए। वो डीके सर है ना, उनको मैंने फोन किया था इनविटेशन के लिए, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल था, तो प्लीज तुम खुद उन्हें इनवाइट कर दोगे? एक्चुअली वहीनी डीके सर यहाँ है नहीं, वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गए। अरे देवा, वो यहाँ पर होते और पुन्नी के साकरपुड़ा में आते तो कितना अच्छा होता था ना। हाँ एक्चुअली उन्हें भी बहुत खुशी होती, काम इतना अर्जेंट था कि, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उनका आशीर्वाद पुन्नी और उसके पति के साथ हमेशा रहेगा। वो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मान, तुम जैसे और डीके सर जैसे बॉस है ना, तो पुन्नी की तो तरक्की होनी होनी है। मुझे लगता है तुम लोग उसके काम से बहुत खुश हो, इतने अच्छे इंसेंटिव जो दे रहे हो उसे। हाँ वहनी, उसके काम से तो बहुत खुश हैं, पुन्नी अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन वहनी ये इंसेंटिव वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। हमारी कंपनी ने अभी तक किसी को कोई इंसेंटिव नहीं दिया, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। आप हाँ हो सकता है शायद, खैर ये काम वाम की बातें छोड़ो, बस है ना तुम लोग यहाँ टाइम पर आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ वहनी, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। ओके वहनी। ये सब क्या हो रहा है, पुन्नी मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रही है? उसने मुझसे कहा कि वो हार उसे कंपनी ने गिफ्ट में दिया है, लेकिन मानव कह रहा था कि उन लोगों ने तो कुछ नहीं दिया, तो फिर पुन्नी को इतना महंगा हार दिया किसने? कहीं कहीं पुन्नी फिर किसी अमीर आदमी के साथ तो? अरे देवा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं पुन्नी की आई हूँ, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, वो भी उसके साकरपुड़ा की थी। नहीं नहीं, और फिर पुन्नी ने वो हार लौटा भी तो दिया है, क्या वजह हो सकती है वो हार मिलने की और लौटाने की? पुन्नी मुझसे क्या छुपा रही है और क्यों? मैं आपके साथ रिश्ता रखने के लिए तैयार, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी करें। शायद आप भूल रहे हैं कि कुछ दिनों में मेरा साकरपुड़ा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा साकरपुड़ा होने वाला है, अभी ऐसे आदमी के साथ जिससे तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, है ना? हाँ मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं जानती हूँ मिस्टर मित्तल, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, और मैं इसी बात का एडवांटेज लेना चाहती हूँ। आज भले ही मेरा साकर पूरा हो भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ साकर पूरा होने के बाद भी आपकी बेचैनी जरूर पड़ेगी। आप देखना, मेरी इस शादी से पहले मैं आपको मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करके रहूंगी। मैं जानती हूँ आप मेरे पास जरूर आएंगे। क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, अरे पुनी कहाँ हो तुम यार, कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ वो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी थी, मेरा साकर पूरा होने वाला है ना। अच्छा, तो तुम उसी लड़के के साथ शादी कर ली है? प्यार किसी और से और शादी किसी और के साथ, ग्रेट। एनीवे मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, वो क्या है ना, आपके साथ बेनाम रिश्ता रखने से तो अच्छा है कि मैं प्रदीप से शादी करूँ, एटलीस्ट वो मुझसे लीगली शादी तो कर। तो नहीं, करेगा क्या वो शादी करके? हाँ जो ऐशो आराम जो लग्जरीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ ना पुन्नी, वो तुम्हें नहीं दे सकता, समझी?
ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मिस्टर मैं, लेकिन आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे साथ वक्त तो गुजारना चाहते लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और प्रदीप प्रदीप मुझसे शादी कर, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी लीगली वेडेड वाइफ बनकर। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? अपनी औकात मत भूलो पुन्नी, ये मत भूलो कि तुम एक चौल में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की, और तुम अपनी बराबरी मेरे साथ कर रही हो। मेरे साथ? किस अधिकार से तुम मुझे ताना मार रही? वैसे तुमने भी मेरा फायदा ही उठाया, उस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। अच्छा, वैसे अगर तुम चाहो तो हमारी ये रिलेशनशिप तुम्हारे शादी के बाद भी कायम रह सकती है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे चौल में रहने वाली मामूली लड़की के साथ रिश्ता रखना ही क्यों चाहते? You know what, Mr. Mitra? मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं जान पाई हूँ कि मुझे किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं। मैं अब प्रदीप से शादी कर रही हूँ। मेरे परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी, और मैं प्रदीप से शादी कर रही हूँ। ताई, मैंने तेरी साड़ी प्रेस कर ली है, तू पहन लेना। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ ताई। तुझे पता है, जब मुझे साखरपुड़ा की बात पता चली ना, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। पता है, मैंने सब तैयारियां कर दी है, साड़ी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रेडी है। अब देखना तेरी साखरपुड़ा में कितना मजा आएगा। रुचि, देख मैंने गैस पर चाय रखी है, जाकर देख ले जरा। ठीक है। अच्छा अभी बैठना। देख बेटा, मैं तुझे ना एक बात समझाना चाहती हूँ। आज तक तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ना, वो तेरा अतीत था, भूल जा तू उसे। प्रदीप तेरा वर्तमान भी है और भविष्य भी। अरे ऐसी क्या देख रही है मुझे? यही सोच रही है ना कि मैं यह सब क्या बोले जा रही हूँ? देख बेटा, मैं जान चुकी हूँ कि तुझे जो डायमंड का हार मिला था ना, वो तुझे ऑफिस से नहीं मिला था, किसी ने तुझे गिफ्ट किया था, है ना? लेकिन मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि वो जो कोई भी है, तू उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए तूने वो हार उसे लौटा भी दिया है ना? देख बेटा, आज तेरा साखरपुड़ा है, तेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन, और तेरे बचपन से तेरी आई ने इस दिन के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, और आज मेरे वो सारे सपने पूरे होने जा रहे। मैं बहुत खुश हूँ पुन्नी कि प्रदीप जैसा इंसान तेरा पति बनने जा रहा है, तेरी उससे शादी होने जा रही है। आई एक बात तो सुन ले, मैं प्रदीप से शादी सिर्फ तेरी खातिर कर रही, ना वो न मेरे लायक था, न है, ना कभी हो सकता है। भेड़ी जाली का, कैसी बातें कर रही है तू? पुन्नी जरा अपनी दोनों बहनों की तरफ देख, पूर्वी और ओवी को देख, छोटी हो तुझसे लेकिन शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो गई है, माँ बनने जा रही है, और एक तू है कि नहीं। प्लीज मुझे उन दोनों के साथ कंपेयर मत कर तू। हाँ वैसे भी प्रदीप एक मिडिल क्लास लड़का है, उसके साथ रहकर मेरे सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते। आई अगर तुम ही होगी पुनी, आई हूं मैं तेरी, कोई दुश्मन नहीं। तुझे क्या लगता है कि किसी बड़े घर के लड़के का तेरे लिए रिश्ता आया और मैंने उसे मना कर दिया? नहीं पुनी, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों को सपने भी वही देखने का हक है जिन्हें देखने की हमारी हैसियत है, उससे ज्यादा नहीं। ये बात तू जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा तेरे लिए। तेरा एक बार रिश्ता टूट चुका है पहले, मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो, समझी ना तू? देवा, देख,
अभी लोग बाग आना शुरू हो जाएंगे। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैं बाहर जाती हूँ। सब कुछ भूल जा बेटा। तीन प्लेट पानी पूरी। मेरे लिए मीडियम। मेरे लिए तीखी। मेरे लिए भी तीखी। हाँ थैंक्स। थैंक यू। यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ तुम्हारी आजी के साथ बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर आजी ने तुम्हारी माँ को मिलने के लिए बुलाया कैसे? एनीवेज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनली हमारे घर वाले मान गए। यस। क्या हुआ मोटा भाई, आप इतने अपसेट क्यों? यार कुछ दिनों पहले आप ही हमें भागकर शादी करने का आइडिया दे रहे थे, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं मैं खुश हूँ, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि इन दो कट्टर दुश्मनों के बीच इतनी जल्दी सुलह कैसे हो गई? और कल तक हमारी मम्मी और तेजो की आजी एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी, और आज अचानक से मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है सनी भैया? कुछ गड़बड़ नहीं है मोटा भाई, हमारी भाग कर शादी करने का आइडिया काम कर गया, बदनामी से बचने के लिए उन्होंने फैसला लिया है, और अब तो सब ठीक हो रहा है तो सही है ना? फालतू में अपसेट हो रहे हो आप, फालतू में डाउट कर रहे हो। नहीं सनी, जिग्नेश सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। जरा सोचो, जो अब तक इतने कट्टर दुश्मन थे वो अचानक से दोस्त बन गए। सुंदरी जी। सुंदरी, अरे वो साकरपुड़ा में जाने के लिए मैं ये साड़ी पहनने वाली, तो इसको इस्त्री करके रखा। हाँ, ले। मैडम एक बात बताइए। हाँ बोल। आपने वो स्नेहलता और चारुलता के साथ हाथ क्यों मिलाया? इसके साथ? मेरा मतलब है वो सीता और गीता है ना? हाँ तो क्या? मेरा मतलब है आपने उनके साथ हाथ मिलाया और आप अपनी ही पोती के खिलाफ खड़ी हो गई। तो अपना मुंह बंद रखेगी? मैं क्या तेजू की दुश्मन हूँ? मैं तेजू के खिलाफ नहीं, तेजू की अच्छाई भलाई के लिए सब कर रही हूँ, समझे? हमारा बड़ों का काम है ना, बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं तो इनको सही रास्ता दिखाना, तो मेरे पास तेजू के लिए यही एक रास्ता बाकी है बस। अरे क्या बात कर रही है लता, उस अनारकली के घर पे जाने के लिए तू तैयार कैसे हो गई? और वो भी अपने सनी का रिश्ता लेके? चारू मेरी बात ध्यान से सुन, वो दोनों के सिर पे से शादी का भूत उतारने के लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है। अच्छा? वो दोनों भाग के शादी करना चाहते है ना, और उनको लगता है कि ये थेपले वाली उनको कभी पकड़ नहीं पाएगी। अब तो देख सनारकली के घर में मैं क्या करती हूँ। आने दो वो सीता गीता को अपने बच्चे का रिश्ता लेकर, फिर दिखाती हूँ उन बच्चों को सविता से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पापा करे तेजू सुरक्षित है। पापा करे तेजू सुरक्षित है। मैं क्या तेजू की बुराई के लिए कर रही हूँ? मैं क्या उसकी दुश्मन? नहीं नहीं, आप तो उसकी आजी हो, आप जो भी करोगी उसके लिए अच्छा ही होगा। या अभी तेरा मुंह बंद रख, और मेरे इस प्लान की कानो कान खबर अगर तेरी वजह से हो गई ना, तेरे दांत है ना तोड़ दूंगी, ध्यान में रखना। चारू किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन किस बात के बारे में? यानी तेरा प्लान क्या है ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है लता, तो मैं क्या किसी को खाक बताऊंगी? अब तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। अच्छा अर्जुन कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू। क्या है वो? ये तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए?
अचानक से कुछ नहीं, वो आज घर में पुन्नी का शाकरपुरा है तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले लूं। ओ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी, मैं अभी चेंज करके आती हूं। रहने दो, एक्चुअली तुम तैयार हो चुकी हो और हमें काफी लेट हो रहा है, तो तुम ये किसी और ओकेशन पे पहन लेना। नहीं अर्जुन, तुम इतने प्यार से लाए हो, एंड यू नो व्हाट, मुझे ये कलर उतना पसंद नहीं है, बट शायद आज तुम लेके आए हो तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ओके। अर्जुन, हाँ? एक बात पूछो। पूछो। तुम्हें मैं साड़ीज में बहुत अच्छी लगती हूँ ना? एक्चुअली आई रिमेम्बर कि जब हम कलकत्ता में थे तब भी तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। yeah. कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी ये सिर्फ अपने बच्चे की माँ की खुशी के लिए कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। प्लीज अर्जुन, यू नो मुझे तो इनफैक्ट सब कुछ बहुत अच्छा सा लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि एक नया ही अर्जुन मेरे सामने आके खड़ा। मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। माफी किसकी? आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान की, स्पेशली इस बच्चे की वजह से तो बहुत तंग किया है ना मैंने। वो भी जस्ट भूल जाओ बीती हुई बातों को, हमें हमारे आने वाले कल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, राइट? अर्जुन, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। तुम्हें पता है मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि कब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। यू नो मैं उसे सारी खुशियां दूंगी, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। Just waiting for मैं चेंज करके आती हूँ। या तो पूर्वी, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। तो और क्या करूँ आई, बाहर सब लोग साखरपुरा की तैयारी कर रहे हैं और मुझे भी मन कर रहा है काम करने का, लेकिन ये आज ही और होने रहना मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहे, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे कुछ तो काम करूँ। पूर्वी एक बात बता, ये दो अलग अलग रंग के सॉक्स किस लिए? आई वो इसके पीछे भी एक वजह है, अगर लड़की हुई तो पिंक और अगर लड़का हुआ तो ब्लू। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सोच है। तुझे पता है पूर्वी, जब पहली पहली बार कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है हर चीज, बच्चे के लिए कैसे कपड़े, क्या करना है, कैसे करना है, उसके जन्म से लेकर उसकी शादी तक, उसकी शादी के बाद हर एक चीज, हम इतना जुड़ जाते हैं। अब पुन्नी को देख, उसके हाथ सगाई है, थोड़े दिन में शादी हो जाएगी। मंजू भाई ने विनोदा को थोड़ा दुख होगा, लेकिन उस दुख के साथ साथ उन्हें उन्हें कितनी खुशी होगी कि उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, उसकी एक नई दुनिया होगी। आई तुझे पुन्नी ताई के बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है, सब कुछ ठीक तो है ना? आई मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात इस वक्त छेड़नी चाहिए या नहीं, लेकिन ये बात मुझे किसी ना किसी से तो करनी पड़ेगी। क्या हुआ है मुझे बता जल्दी। आई पुन्नी ताई आज भी मिस्टर मित्तल से मिलती है। मिस्टर मित्तल? आई मिस्टर मित्तल वो आदमी तुझे याद है जिसके साथ पुन्नी गाई पकड़ी गई थी होटल रूम में? पुन्नी ने अभी भी उस इंसान से मिलती है? हाँ, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था।
मुझे लगा कि मुझे तुझे बता देना चाहिए। उर्वी, इस लड़की को हो क्या गया? इसका इसका साकर पूरा होने वाला है और वो उस मित्तल के साथ। आए क्या हम विनोद मामा और मंजू मामी से इस बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर इतने सारे मेहमान हैं, हम लोगों को अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। एक बार साकर पूरा हो जाए फिर मैं खुद वहीनी से बात करूंगी। लेकिन अभी तू ये बात किसी से भी मत कहना।